केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ पाइल साल्ट इन यूरिन, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ पाइल साल्ट इन यूरिन, यानी कि हम लोग को देखना है यूरिन में क्या देखना है, यूरिन में बाइल साल्ट देखना है, यूरिन में बाइल साल्ट देखना है। तो यूरिन में बाइल साल्ट देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मेथड क्या होता है। मेथड है यहाँ पे है सल्फर टेस्ट है, यानी कि हम लोग इसमें जो करेंगे कौन सा करेंगे, हम लोग केमिकल केमिकल मेथड करेंगे, कौन सा करेंगे, केमिकल मेथड करेंगे, ठीक ना। तो केमिकल मेथड करने के लिए हम लोग को कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ता है, जैसे हो गया टेस्ट ट्यूब हो गया, टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया, टेस्ट ट्यूब स्टैंड हो गया, उसका यूरिन सैंपल हो गया और सल्फर पाउडर हो गया। इतना रिक्वायरमेंट, और इतना रिक्वायरमेंट हम लोग को चाहिए पाइल साल्ट करने के लिए, पाइल साल्ट करने के लिए हम लोग को इतना रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। अब देखिए इसमें और रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए, और यहाँ पे सल्फा पाउडर, सल्फा पाउडर रखने के लिए एक स्पून होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक स्पून होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पिंच यानी वन पिंच हम लोग को क्या करना है, वन पिंच क्या करना है, हम लोग को सल्फर पाउडर उसमें ऐड करना है, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्पून चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे है इट इज़ ए केमिकल टेस्ट यूज टू द डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पाइपिंग, यानी हम लोग बाइल साल्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे बाइल साल्ट आर फाउंड इन द यूरिन इन ए सर्टेन डिजीज, यानी कि अगर बाइल साल्ट यूरिन में प्रेजेंट होता है तो इसमें कौन होगा, डिजीज काउज करेगा, कौन सा डिजीज काउज करेगा, तो यहाँ पर देखिए जॉन्डिस हो सकता है, लीवर डिजीज हो सकता है, ठीक ना, ये सब मतलब दो डिजीज हो सकता है, या ETC यानी अदर भी डिजीज हो सकता है। तो ये सब डिजीज को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं, बाइल साल्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कह रहा है कि व्हेन बाइल साल्ट प्रेजेंट इन द यूरिन, अगर बाइल साल्ट यूरिन में प्रेजेंट होता है तो डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ द यूरिन, यानी यूरिन के क्या होगा सरफेस एरिया पे। अब देखिए प्रोसीजर क्या करता है, प्रोसीजर कहता है सबसे पहले क्या करें हम लोग, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्या करेंगे हम लोग, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, 5 ml यूरिन सैंपल लेंगे, क्या करेंगे, 5 ml क्या करेंगे हम लोग, यूरिन सैंपल लेंगे, 5 ml क्या करेंगे हम लोग, यूरिन सैंपल लेंगे। 5 ml यूरिन सैंपल लेने के बाद यहाँ क्या देखें, स्प्रिंकल ड्राई सल्फर पाउडर, स्प्रिंकल ड्राई सल्फर पाउडर ऑन द सरफेस सर्फेस ऑफ द यूरिन, यानी टेस्ट ट्यूब के, टेस्ट ट्यूब के ऊपर में क्या करें हम लोग, वन पिंच क्या करेंगे हम लोग, सल्फर पाउडर को इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सल्फर पाउडर को क्या करेंगे इसमें हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये हो गया वाटर कंट्रोल, यहाँ पर देखिए बाइल साल्ट निगेटिव, अगर बाइल साल्ट सर्फेस एरिया पर ही रह जाएगा तो क्या होगा, बाइल साल्ट निगेटिव, अगर सर्फेस एरिया से नीचे बॉटम में जब क्या होगा, बाइल साल्ट अगर नीचे बॉटम में आने लगा तो बाइल साल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर रखें और यहाँ पे देखिए नीचे नीचे धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, उसके बाद जब नीचे आने लगेगा तो हम लोग क्या करें, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में है कि सल्फर पाउडर फ्लोट और सिंक टू द बॉटम, अगर सल्फर पाउडर अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर रखे हैं और बॉटम में यहाँ पे आने लगा तो क्या होगा, यूरिन में बाइल साल्ट क्या होगा, यूरिन में क्या होगा प्रेजेंट होगा। रिजल्ट क्या होगा, सल्फर पाउडर अगर सिंक टू बॉटम, यानी कि क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, नीचे सिंक होने लगेगा, क्या होगा, सिंक होने लगेगा कहाँ पे, बॉटम में, तो क्या होगा इसमें बाइल साल्ट क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कौन कौन सा डिजीज होगा, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे देखिए, डिटेक्ट टू द यूरिन द डायग्नोस्ट करते हैं वेरियस कंडीशन, जैसे हो गया लीवर डिजीज, जॉन्डिस, या डायग्नोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इस सब कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम लोग नया वीडियो के साथ
फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग